कृष्ण राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। देखिए भक्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी भक्त हमारी वीडियो देखते हैं और सभी विश्वास भी करते हैं। जो भी हम कहते हैं, सभी को प्रबल विश्वास है कि सच में ऐसा होता है और काफ़ी भक्त हमसे जुड़ गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। काफ़ी भक्त हमें कमेंट्स करते हैं, अपने सवाल रखते हैं हमारे सामने। तो उसी भक्तों में से, उन्हीं भक्तों में से एक भक्त है जिन्होंने हमें फ़ोन किया और जो उनकी दुविधा थी वो हमें बताई। तो देखिए, मैं बहुत मतलब सुनकर मुझे थोड़ा सा मन उदास हुआ है उनकी जो बातें सुनकर, कि एक भक्त है झारखंड से हमें कॉल आया था। उनका ऐसा है कि देखिए, उनकी शादी हुई थी, लेकिन लड़की बिटिया है, उसकी शादी हुई लेकिन उसे परिवार अच्छा नहीं मिला, ससुराल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने जो बातें मुझसे कही कि जो उनके साथ ससुराल में हुआ, वो सुनकर तो मुझे मतलब ऐसे आँखों में आंसू आ गए। बहुत मतलब मेरे दिल को तकलीफ़ हुई। मैंने उनसे कहा बहुत, तो उन्होंने अपने ससुराल को छोड़ दिया और वो अभी मायके में है। मैंने उससे कहा कि बहुत अच्छा काम किया कि आपने ससुराल छोड़ दिया और आप मायके में हो। अब वो मायके में है अपनी मम्मी के साथ, एक और बहन है उसके साथ। लेकिन देखिए, उनके घर की परिस्थिति काफ़ी बुरी है, काफ़ी बुरी। उसने बेचारी ने मुझे फ़ोन किया कि आंटी, मेरी मम्मी जो है, उनकी मम्मी काफ़ी बीमार रहते हैं, मतलब वो बहुत बीमार है, बेड पे है, ज़्यादा थोड़ा बहुत चल रहे हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं बहुत ढूंढ रही हूँ सर्विस, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब का देख रहे हैं लेकिन उसे नहीं मिल रही। प्राइवेट जॉब भी सोचा तो वो भी उसे नहीं मिल रही। काफ़ी पढ़ी लिखी है लेकिन उसे वो जॉब भी नहीं मिल रही है। तो घर का गुजारा भी चलाना बहुत मुश्किल है। मम्मी की जो दवाइयों का है, हॉस्पिटल का खर्चा, वो भी मुश्किल है। आस पड़ोस के लोग अच्छे नहीं है, उनके ऊपर हंसते हैं क्योंकि बेटी जो ब्याह करके आई गई थी वो ससुराल आ गई है। तो ये बात से देखिए, झारखंड है थोड़ा गांव का, मतलब आप सोच सकते हो वहाँ के लोगों की सोच कैसी होगी कि लड़कियों के मामले में अभी तक कुछ कुछ जगह ऐसी है कि उनकी सोच बहुत छोटी है हम महिलाओं के बारे में। तो ऐसे ही उनके पड़ोसी है जो अच्छी सोच नहीं रखते, उनसे कोई बातचीत नहीं करते। तो वो बेचारे इतने दुखी है कि उसने कहा कि मैं क्या करूं आंटी, मैं बहुत तकलीफ़ में हूं, मेरी मम्मी भी ठीक नहीं होती, हम क्या करें, आप कान्हा जी के सामने हमारी हाजिरी लगाइए। मैंने तो उनसे बस यही कहा कि बेटा, आप पूरा विश्वास खुल के कान्हा जी पे रखिए कि एक ना एक दिन आप ज़रूर हमारे हालात को सुधारोगे। तो मुझे भक्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो कोई झारखंड के भक्त अगर हमसे कोई जुड़े हुए हैं, अभी मुझे नहीं पता बहुत से भक्त हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई झारखंड का भक्त है और उस बिचारी की अगर कोई मदद करना चाहता है तो ज़रूर कीजिए। लेकिन देखिए, मैंने तो उनसे ये कहा था कि मैं कुछ सेवा आपके लिए करूंगी, यहाँ से मैं कुछ सेवा आपको भेजती हूँ, आपका घर का गुजारा थोड़ा अच्छे से चलेगा। लेकिन वो बिटिया, मतलब उसके विचार इतने अच्छे हैं कि उसने कहा कि नहीं आंटी, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, मैं अपने दम पर, मैं सर्विस करके, नौकरी करके मैं अपना घर चलाना चाहती हूँ। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है क्योंकि लोगों की नज़रें भी अच्छी नहीं है, लोग ठीक से हमसे बर्ताव नहीं करते। अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो पहले ही उन्हें कोई कुछ ना कुछ बोलकर उनका काम बिगाड़ देते हैं, और होते हैं ऐसे लोग।
तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि कान्हा जी तो अपना काम ज़रूर करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर कोई झारखंड से हो और उस बिटिया को जॉब दिलवाने में, सर्विस दिलवाने में, नौकरी दिलवाने में अगर कोई मदद करता हो तो ज़रूर कीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम उस बिटिया का एड्रेस, नाम आपको ज़रूर दे देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, तो आप उसे कांटेक्ट कीजिए और जितना हो सके आप उनकी मदद कीजिए। और मैं देखिए, हम तो कान्हा जी राधा जी से कहते ही है कि उनकी आप मदद कीजिए, उनकी जो हालात है वो हालात क्यों थोड़ा आप सुधार दीजिए। देखिए ये तो कर्मों की बात रहती है, हमारे जो कर्म है वो हमें तो भुगतने पड़ते ही है, हमें तो कर्म को भुगतना है, जो हमारा लिखा हुआ है वो तो हम भुगतेंगे ही। लेकिन जब हम कान्हा जी के साथ पास हाजिरी लगाते हैं, जब राधा रानी के पास हम जाते हैं, कान्हा जी के पास जाते हैं, तो कान्हा जी क्या करते हैं, उस जो हमें जो कर्म हम भुगत रहे हैं उसकी अवधि को क्या करते हैं, घटा देते हैं। कर्म तो भुगतने हैं लेकिन जितनी अवधि है वो अवधि क्या करते हैं हमारे कान्हा जी, उस अवधि को कम कर देते हैं, उस टाइम को कम कर देते हैं। तो यही मैंने उससे कहा कि बेटा आप थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी मम्मी को भी हिम्मत दीजिए, आप एक ना एक दिन आपके हालात ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो मैं सभी भक्तों से ये चाहती हूँ कि आप सभी भक्त उस बिटिया के लिए प्रार्थना कीजिए, क्या पता किसी की प्रार्थना लग जाए और कान्हा जी और राधा जी जल्द से जल्द उनकी मदद करें। तो आप सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनके हालात जल्दी से जल्दी सुधर जाए, और अगर कोई झारखंड में हो और उनकी मदद इस मामले में कर सके, सर्विस दिलाने के मामले में कर सके, तो मैं हाथ जोड़ से विनती करती हूँ कि आप ज़रूर उनकी मदद कीजिए। और इस चीज़ के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर आपको दे देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।